नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन अपनी शाखाओं का चुनाव करना शुरू कर दिया है, जिसके चलते से रणनीति भी तैयार की गई है। मुरादाबाद के कैरिज वैगन शाखा का चुनाव 18 दिसंबर को होना है, जिसकी शुरुआत कर दी गई है। मंडल अध्यक्ष आर के बाली का ये कहना है कि 3 वर्ष में चुनाव किया जाता है, जिसमें सभी पदाधिकारी को जिम्मेदारी दी जाती है। इसी उद्देश्य को लेकर चुनाव की रूपरेखा शुरू कर दी गई है। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन अब शाखाओं के चुनाव को लेकर काम कर रही है। आगामी 18 दिसंबर को नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की कैरिज राइटिंग शाखा का चुनाव आयोजित किया जाएगा। इस चुनाव के लिए सोमवार को कैरिज बैरिंग शाखा में चुनाव के लिए प्रचार प्रसार शुरू कर दिया गया। चुनाव 8 पदों के लिए कराया जाएगा। यूनियन के मंडल अध्यक्ष आर के बाली ने बताया, काफी समय से कैरिज वेंडिंग शाखा का चुनाव होना था, जिसको लेकर यूनियन ने चुनाव की तिथि 18 दिसंबर घोषित कर दिया है और सभी चुनाव लड़ने वाले सदस्यों को सूचना दे दी गई है और सोमवार को चुनाव के लिए प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया गया है। इस चुनाव के लिए यूनियन के सहायक मंडल मंत्री मनोज शर्मा को प्रभारी बनाया गया है, जिसके लिए उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है कि चुनाव को ठीक ढंग से संपन्न कराने के लिए वो अपना भरपूर योगदान दें। हमारे यहाँ पर हर 3 साल के बाद एक नई टीम बनाई जाती है। चुनाव की प्रक्रिया जो है संवैधानिक ARF की तरफ से, NRO की तरफ से हमें निर्देशित है कि 3 साल के अंदर मेंबरशिप के 3 साल की चुनाव हो जाने चाहिए। उसी की कड़ी में कैरियन वैगन का चुनाव ड्यू है, जिसकी आज से कार्यक्रम शुरू कर दिया गया। कब को चुनाव होना है? ये चुनाव 11 दिसंबर को डेलीगेट का चुनाव होगा। फिर वो डेलीगेट जो है चुनने के बाद में 19 डेलीगेट चुने जाएंगे। उस 19 डेलीगेट में से हमारे पदाधिकारी चुनते हैं, वो 18-12 को चुने जाएंगे। 18 तारीख को ये चुनाव संपन्न कराने के लिए क्या तैयारियां की गई हैं आपके द्वारा? सबकी जो हमारी लिस्टें होती हैं, जो मेंबर्स जो वोटर लिस्ट जो होती है, वो तैयार कर दी गई है, केंद्र में भेज दी गई है। और जो मनोज शर्मा हैं, जो हमारे ADS हैं, उनको महामंत्री ने इस इलेक्शन का इलेक्शन ऑफिसर नियुक्त किया है। और यहाँ के इलेक्शन प्रभारी जो है नफीस, को उनकी देखरेख पूरी चल रही है और उनकी देखरेख में सारी कार्रवाई। क्या उनका कार्य रहता है जो चुनाव के पदाधिकारी आते हैं? जो कार्य उनका ये रहता है कि हमारा जो संगठन है, हमारा जो कर्मचारी हैं, जो हमारे मेंबर सदस्य हैं, और रेल में जो हमारे उनकी जो उनके कार्य होते हैं, उनको जो प्रशासन की तरफ से नहीं पूरे हो पाते, उनको लेकर घूड़ा चलाती है। भारत सरकार की तरफ से जो अनोखीज हैं, जो कर्मचारियों के प्रति बहुत सारी चीज़ें हमारी रोक दी गई हैं, बहुत सारी चीज़ें रुकने वाली हैं, उनके ऊपर जो भारत सरकार अपना जोर बनाती है, उसके ऊपर ये संगठन मिलकर चुने हुए पदाधिकारियों को, अपना अपना प्रतिनिधि को, उनको इकट्ठा करके भारत सरकार को एक अपना पैगाम देते हैं कि आने वाले कल में अगर इस तरह का कोई भी हम हस्तक्षेप करेंगे तो ये सारे के सारे कर्मचारी लामबंद होकर उनका सामना करने के लिए भारत सरकार के लिए तैयार किया जाए।